प्रक्रिया समाप्त होते ही जिस तरह से एग्जिट पोल के नतीजों में सत्ताधारी पार्टी बीजेपी की बढ़त बनती नजर आई, उससे विपक्षी पार्टियों में नाराजगी है। विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि एग्जिट पोल के नतीजे जनता को गुमराह करने के लिए हैं, जबकि असल में बीजेपी का प्रदेश से सूपड़ा साफ हो रहा है। एग्जिट पोल के हालिया नतीजों पर संवाददाता अनूप चौधरी ने महागठबंधन में शामिल आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मसूद अहमद से खास बातचीत की, देखिए। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में मतदान की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। मतदान समाप्त होते ही एग्जिट पोल ने एक तरफा जो है जिस तरह से भाजपा को जो है बढ़त दिखाई है, उससे जो है तमाम जो है विपक्षी पार्टियां हैं एग्जिट पोल को लेकर नाराजगी भी हैं और नाराज भी हैं और एग्जिट पोल पे तमाम तरह के आरोप भी लगा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर मसूद अहमद जी, हम उनसे बात करेंगे जो एग्जिट पोल ओपिनियन पोल जो आए हैं उसको लेकर उनकी अपनी क्या राय है। देखिए, ऐसा है कि यह जो 5 साल की सरकार रही है उत्तर प्रदेश की जनता जो है इससे त्रस्त रही है। लोगों ने पहले ही मन बना लिया था, किसानों ने, मजदूरों ने और युवाओं ने, छात्रों ने, बेरोजगारों ने मन बना लिया था इस सरकार को विदा करना। तो ये आप मान लीजिए कि सरकार की विदाई तय है और पहला जो चरण पश्चिम से शुरू हुआ है उसका पूरा असर गाजीपुर से लेकर गाजियाबाद तक गया है। और ये जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, कल से हम भी देख रहे हैं, ये प्रदेश की जनता को कंफ्यूज करने का प्रयास कर रहे हैं। और इन्होंने, ये कोई नया खेल नहीं है, ये जो रुकूंगा, जो एग्जिट पोल है क्या उसमें आपको लगता है मैनिपुलेट किया हुआ है कुछ ऐसा ही? मैं उसी पर जा रहा हूँ। ये जो ओपिनियन पोल जो दिखा रहे हैं ये साजिश के तहत, एक रणनीति के तहत ये दिखा रहे हैं। इन्होंने ये प्रयास पहले भी किया है और पहले कर चुके हैं, ये बंगाल में भी और ये टीएमसी के मामले में और अन्य जगहों पर, बिहार में भी, और बिहार में ही ऐसे कंफ्यूज करके इन्होंने बेईमानी करने का प्रयास किया और ज़बरदस्ती बेईमानी करके प्रयास करके इन्होंने वहाँ तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने से रोका और सरकार बनाई है। यही खेल ये यहाँ दोहराना चाहते हैं। ये इनका प्रयास है कि चाहे जैसे सरकार बनाए, लेकिन जनता ने अपना फैसला दे दिया है। परसों जब रिजल्ट आएगा तो लोग देखेंगे महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है 100%। ओपिनियन जो पोल दे रहे हैं इनके बारे में लोग राय बना चुके हैं, इनके बारे में जान चुके हैं, ये गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। आप थे डॉक्टर मसूद अहमद जी जो आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इनका साफ कहना है कि जो एग्जिट पोल हैं वो सिर्फ जनता को गुमराह करने के लिए, लेकिन जब 10 मार्च को जब रिजल्ट आएंगे तो उनको पूरा विश्वास है कि यूपी में महागठबंधन की सरकार बनेगी। कैमरामैन जुबेर के साथ अनूप चौधरी, जेके न्यूज़, लखनऊ।